नरकासुर के जन्म से अच्छा होने और फिर बुरा बनने की यह कथा महत्वपूर्ण है। यह आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भले ही आप एक सुअर के गर्भ से पैदा हुए हों, फिर भी ये बहुत अच्छा जन्म है। या तो आप इंतजार करें कि जीवन आपको पीटे, या आप खुद को पीट कर सीधा कर लें, चुनना आपको है। हम एक इंसान की हत्या का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उसने अनुरोध किया था कि मेरी मौत की सालगिरह मनाई जानी चाहिए। नरकासुर, उसका अतीत अच्छा था। कहते हैं कि वो विष्णु का पुत्र था, लेकिन ऐसा तब हुआ जब विष्णु ने रूप लिया था एक जंगली सुअर का। इसलिए उसके अंदर कुछ आदतें थीं। ज्यादा बड़ी बात थी कि उसने कुछ दोस्त बना लिए। वो मुरा का दोस्त बन गया, जो बाद में उसका सेनापति बना, और दोनों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और हजारों लोगों की हत्या की। पहले कृष्ण ने मुरा को मारा, क्योंकि अगर दोनों साथ होते तो नरकासुर से निपटने का कोई तरीका नहीं था। इसी कारण कृष्ण का एक नाम है मुरारी, क्योंकि उन्होंने मुरा को मारा था। कहानी में कहा गया है कि मुरा के पास युद्ध में जादुई शक्तियां हुआ करती थीं और कोई भी उससे लड़ नहीं पाता था। मुरा को रास्ते से हटाने के बाद नरकासुर को मारना बहुत आसान हो गया था। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है। मृत्यु के पल में वे अपनी सीमाओं को महसूस करते हैं। अगर वे अभी महसूस कर लें तो जीवन में सुधार किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग आखिरी पल तक इंतजार करते हैं। नरकासुर उनमें से एक है। उसने अपना जीवन बिल्कुल गलत जिया और उसे ये उसके जीवन के अंत में महसूस हुआ, और वो बोला, आज आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं, उन सारी गलतियों को मार रहे हैं जो मैंने की हैं। इसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। तो आपको नरकासुर की गलतियों के मरने का जश्न नहीं मनाना चाहिए, आपको अपने भीतर की सभी गलतियों के मरने का जश्न मनाना चाहिए। सिर्फ तभी असली दीपावली मनाई जाएगी। अब बात बस यही है, हम सभी उन्हीं चीजों से बने हैं, लेकिन देखिए हर इंसान कितना अलग बन गया है। तो जब कृष्ण ने नरकासुर को मारा तो वहां यही हुआ। वे दोनों इतने अलग थे कि नरकासुर को महसूस हुआ, हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन देखो मैंने खुद को क्या बनाया है और आपने खुद के साथ क्या किया है। तो नरकासुर के जन्म से अच्छा होने और फिर बुरा बनने की यह कथा महत्वपूर्ण है। यह आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भले ही आप एक सुअर के गर्भ से पैदा हुए हों, फिर भी ये बहुत अच्छा जन्म है। चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि आप खुद को क्या रूप देते हैं। कृष्ण ने खुद को भगवान का रूप दिया, नरकासुर ने खुद को राक्षस बना दिया। या तो आप इंतजार करें कि जीवन आपको पीटे, या आप खुद को पीट कर सीधा कर लें, चुनना आपको है। तो नरकासुर ने चुना कि कृष्ण आए और उसे पिटाई लगाएं। कृष्ण ने चुना कि वे खुद को पीट कर सीधा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक की भगवान के रूप में पूजा की जाती है, दूसरा राक्षस के रूप में त्याग दिया जाता है। तो बात बस यही है। तो कल का दिन हमें याद दिलाता है
आइए इसे रोशनी से भर दें।